इंदौर जिले के बेटमा क्षेत्र के ग्राम मेठवाड़ा स्थित मंदिर और कुटिया का मामला है, जिसमें दो पुजारियों के आपसी विवाद के चलते कुछ दिनों पहले इस पर ताला जड़ दिया गया। दरअसल बात यह है कि मेठवाड़ा के इस मंदिर पर बाबा पागलदास, जो कि पिछले 7 साल से यहाँ रह कर पूजा कर रहे थे, जबकि एक अन्य पुजारी जिनका खानदान पिछले कई वर्षों से पूजा करता आ रहा था, दोनों के बीच मंदिर की पूजा व हक की बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि वर्तमान पुजारी पागलदास त्यागी को जिला कलेक्टर इंदौर द्वारा इस मंदिर की पूजा का दायित्व 5 वर्ष पूर्व ही दिया गया था और तभी से दोनों पक्षों के बीच इसकी पूजा व अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिनों पूर्व इसी के चलते पटवारी और नायब तहसीलदार ने इस कुटिया पर ताला जड़ दिया था। यह बात पुजारी से कंप्यूटर बाबा तक पहुँची। इसी के चलते कंप्यूटर बाबा और राधे बाबा शाम करीब 6 बजे बेटमा पुलिस थाना पहुंचे और यहां एडिशनल SP धर्मराज मीणा, SDOP RK राय ने थाना प्रभारी DPS चौहान से चर्चा की और ताला खुलवाने के लिए थाने पर ही अनशन कर बैठ गए। जब इसकी जानकारी स्थानीय विधायक विशाल जगदीश पटेल को लगी तो वे भी रात को ही यहां पहुंचे और इस संबंध में चर्चा की। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जी, उनको बेदखल कर दिया था। हाँ, जब जानकारी मिली तो हम लोग आए, देखा तो अधिकारी SDM आ गए, उनसे कहा नियमानुसार, विधायक जी भी आ गए थे, कि जो जो कागज बोलता है, जिसको जिसको अधिकार है उसको वहाँ रखा जाए, जिसको अधिकार नहीं उसे ना रखा जाए। जी, आज ताला जो है उन्होंने अभी SDM ने उन्होंने ताला खुलवा दिया है। संत रहेंगे, कल से पेशी होगी, जो भी निर्णय होगा वो निर्णय जिला प्रशासन नियमानुसार करेगी। कोई बात नहीं, कभी देर लग, नियम से काम करने के लिए हमने भी कहा, विधायक जी ने कहा और शासन भी नियम से काम करेगी। धन्यवाद। आधे घंटे ही पहले पता लगा लोगों का, जिस प्रकार से एक आक्रोश बना हुआ था यहाँ, मैं तुरंत इंदौर छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैंने अभी SDOP साहब, हमारे एडिशनल SP साहब, आदरणीय हमारे TI जी, हमारे SDM साहब, तहसीलदार और गुरुवर जो कंप्यूटर बाबा और राधे राधे बाबा दोनों यहाँ आए हुए हैं, सभी से आपस में सलाह मशवरा हुई है। बात एक ही चीज़ के तेज हुई है कि अभी ताला खुलेगा, जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से ताला लग गया था, कहीं गलती हुई थी या जो भी हुई हो, वो ताला अभी जाके खुलेगा। कल 12 बजे दोनों पक्षों की पेशी होगी कोर्ट में, जो भी फैसला, दोनों के कागज वहाँ देखे जाएंगे, जिसके भी पक्ष में फैसला होगा। अगर विवाद स्थिति परिस्थिति ऐसी कुछ बनती है, अगर मामला सुलझता हुआ नहीं दिखता है, तो कल यहाँ SDM साहब रिसीवर उस पर मंदिर पे ऊपर बिठाएंगे, दूसरे किसी भी गांव का कोई भी पंडित वहाँ नियुक्त करेंगे और उसके बाद जब भी कोर्ट का फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा और जिसको अपील करना है वो अगली कोर्ट है, जिसको मान्य नहीं हो अगली कोर्ट है वहाँ अपील करें। जैसे कि आपने बताया कि अवैध रूप से ताला लगा दिया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर ऐसा, वैसे तो इस प्रकार से अभी जो मुझे जानकारी लगी है कि ना अधिकारियों का कोई रोल था उसमें, अगर व्यक्तिगत रूप से किसी ने लगाया था तो ताला अभी खुलवाने जा रहे हैं। एक पक्षी ताला लग गया था, आज खुलवाने जा रहे हैं, कल 12 बजे पेशी है, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर कल तो रविवार है ना, खबर आ रही कल फिर भी पेशी होगी कोर्ट में, हो जाएगी रविवार में पेशी होगी, कल 100% 12 बजे पेशी है। खबर ये आ रही कि पटवारी जी ने लगाया ताला। देखो, जो भी सामने कल तथ्य सामने आ जाएंगे, जो भी दोषी होगा उसको निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी। जिन्होंने लगाया आज वही ताला खुलने जा रहा है, अभी खुलने भी गया। अगर ऐसा हुआ है, अगर आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लग रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उसको दंड दिया जाएगा। काफी समय से आप इसमें बंद कमरे में बात चल रही थी, तहसीलदार साहब भी छह बजे मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ, अब ये आपस में बात चल रही थी, लेकिन मेरे संज्ञान में जैसे ही आया और आप लोग खुद गवाह हैं, मुझे 10 मिनट नहीं लगे उस फैसले को करने में और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ वापस बाहर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।